महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग एसयूवी स्कॉर्पियो एन से पर्दा उठा लिया है और वे उसको मॉडर्न स्कॉर्पियो बुला रहे हैं। और जिन फीचर्स, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस पर ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो लैग करती थी, अब ये सारे पैरामीटर्स को मजबूत करने के लिए स्कॉर्पियो एन को उतारा गया है मार्केट में। बेसिक स्कॉर्पियो का नाम ही काफ़ी है मार्केट में, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन अब स्कॉर्पियो मार्केट में थोड़ी सी पीछे रह गई है, क्योंकि उसमें उतने फीचर्स नहीं आते जितने कि उसके राइवल्स में आते हैं। साथ ही अब उसकी डिज़ाइन थोड़ी पुरानी लगने लग गई है, जिसकी कमी पूरा करने स्कॉर्पियो एन को मार्केट में उतारा गया है। क्योंकि आज उसके सेगमेंट में टाटा हैरियर, ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर और टाटा सफारी जैसी एसयूवीज़ मौजूद हैं। बेशक ये फ्रंट व्हील ड्रिवन एसयूवीज़ हैं, बट स्कॉर्पियो के प्राइस ब्रैकेट में ये एसयूवीज़ भी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये बात तो अच्छी है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन के साथ उसमें अच्छी फीचर्स और सेफ्टी लाएगा, लेकिन सवाल अब यह बड़ा उठता है कि क्या ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को महिंद्रा डिसकंटिन्यू कर देगा। अब इसका आंसर बेहद ही सिंपल है और ये महिंद्रा खुद जानती है कि जब स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन आने वाली है, तब भी लोग ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और वे जानते हैं कि ओल्ड जनरेशन का कोई भी तोड़ नहीं है। और महिंद्रा खुद जानता है कि ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को डिसकंटिन्यू करके उसका खुद का ही नुकसान होने वाला है। सो वे ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को जल्द ही मार्केट में एक फेसलिफ्ट देके उतारने वाले हैं और उसे बेचा जाएगा स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। उसी के साथ स्कॉर्पियो एन, जो कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो होगी, उसे भी कंटिन्यू करा जाएगा उसी के साथ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये रूमर्स फैले थे कि मार्केट में ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को डिसकंटिन्यू कर देगी महिंद्रा, बट महिंद्रा ने खुद ऑफिशियली इस बात को नकारा है। अब हम भी जानते हैं कि ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो के लिए जो हमारे दिल में प्यार है वो अपार है, जिसे रिप्लेस कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो दैट्स इट पीपल फॉर दिस वीडियो। और आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको स्कॉर्पियो के बारे में क्या अच्छा लगता है।